आज दोस्तों काफ़ी दिनों बाद ना मौसम बहुत तेज़ गर्म हो गया है, धूप काफ़ी दिनों बाद निकली है, इसलिए मैं अपने सारे परिंदों को खोल दिया, कबूतर हो, मुर्गा मुर्गी, वाइट असील मुर्गा, सबको खोल दिया है, क्योंकि यार धूप सेंकेंगे ना, काफ़ी दिनों से इन्हें धूप नहीं मिली थी। तो हाँ दोस्तों, इनके लिए ना धूप अच्छी होने वाली है, अगर इन्हें नहीं खोलता ना तो धूप नहीं सेंकते काफ़ी दिनों से, कम अज़ कम भी एक माह हो चुके हैं धूप नहीं निकली थी, तो मैं सोचा आज खोल ही दूँ। और आज फाइनली दोस्तों हमारा गोट फॉर्म आधे से ज़्यादा तैयार हो चुका है। ये देखें दोस्तों अपना बांस वांस आगे लग गए हैं, आगे भी बांस लग गए हैं, पीछे भी बांस लग गए हैं, और यार कितना खूबसूरत लग रहा है। इस तरह दरवाज़ा लगेगा, उससे अपना ऊपर ना धूप से बचने के लिए शेड लगेगा, ये जो है पीछे की तरफ पूरा। और फिर अलिया इसमें क्या आएंगी, बकरियाँ आएंगी दोस्तों, फुल मज़ा आने वाला है, बकरियाँ अभी आ सकती हैं। आप गेस करके बताएं कि हम क्या ला सकते हैं, और आप अपने ऑप्शन भी दे सकते हैं हम इसमें क्या लाएं। बाकी दोस्तों मैं भी बहुत खुश हूँ यार, हमारा गोट फॉर्म भी बन गया और केजेस भी बन के तैयार हो गए, एक तरफ केजेस बन गए हमारे दोनों और दूसरी तरफ गोट फॉर्म। और आज हमारा मास्टर केज टूटने आ रहा है, क्योंकि आज सारा काम हो जाएगा भाई का, आज बस आखिरी दिन है काम का, सारी डेकोरेशन हो जाएगी जो भी होनी होगी, दरवाज़ा वाजे सब लग जाएंगे, शेड वेड, तो आज आखिरी दिन है। तो हमारा मास्टर केज जो हमने इतनी मेहनत से बनाया था, मुझे याद रहेगा भाई, मैंने मास्टर केज अपने हाथों से अपनी मेहनत से बनाया था आला मास्टर केज, तो यार हमेशा याद रहेगा मुझे। आज दोस्तों मैंने सोचा गर्मी हो रही है इसलिए इनको पानी भी रख दूँ, तो ये रहा इनके लिए पानी, अभी अपनी मर्जी से पी लेंगे, जिससे भी प्यास लगेगी कबूतर नहा भी लेंगे इसमें। गाइस यहाँ पे हमारा प्याला मुर्गा, वाइट वाला मुर्गा पानी पी रहे, और भैया नजर नहीं आ रहे, ये क्या भैया यहाँ पे, भैया आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पे यार धूप बहुत तेज हो रही है, मैं धूप से बचने के लिए कर रहा हूँ, सच्ची में दोस्तों बहुत गर्मी है, हमारे जानवरों के लिए धूप शुरू से अच्छी है, लेकिन मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है, मैं अपने जानवरों को पानी रख दिया ठंडा ठंडा, वो आराम से पियेंगे नहाएंगे जो भी कुछ करें, तो मैं तो अंदर बैठा हूँ क्योंकि इधर साया है और ये इधर बैठने में मजा आ रहा है। अलिया ये देखो कबूतर अंदर चले गए, कबूतर हमारे दोनों अंदर चले गए नए केज में, ये देखें दोस्तों हमारे दोनों कबूतर ना अंदर आ चुके हैं, इन्हें लगता है जगह पसंद आ गई, भाई तुम्हें जगह पसंद आ गई, कोई बात नहीं इधर ही रुको, वैसे तुम्हारी जगह इधर नहीं है, तुम्हारी जगह है ये वाली जगह, ये वाली दोस्तों सारी कबूतरों की जगह है, इसमें तो मुर्गा मुर्गी रखेंगे। हाँ ये धूप से बचने के लिए जरूर से आए, क्योंकि देखें दोस्तों कितनी तेज धूप है, एक भी बादल नहीं है आसमान पे, एक भी, और वो देखें धूप ना कितनी जोर से चमक रहा है यार, बहुत तेज़ गर्मी है यार। ये देखें बाकी हमने चूजों को खोला है, आराम से हमारे चूजे फिर रहे हैं, और यार जो मज़ा आने वाला है आज गोट फॉर्म का भी काम कम्प्लीट हो जाएगा, मतलब कि ना शाम को ना भाई प्लास्टर लगा के गए थे ये देखें यहाँ पे, ताकि मजबूती, अब ये सूख के ना पत्थर हो चुका है और हमारा गोट फॉर्म बिल्कुल मजबूत हो चुका है, हिल भी नहीं रहा, अब इसमें आराम से रख सकते हैं, बस छत लगना बाकी है, और दरवाजे भी इतने लगेंगे कम से कम इतने ऊंचे, ताकि हमारे बकरियां वगैरह बाहर नहीं निकल सके, और पीछे से भी एक वो पट्टा लगेगा ताकि ना इसके ऊपर चढ़ के वहाँ नहीं गिर जाए पीछे को, तो हाँ ये भी आराम से प्रॉपर सेटअप होगा। बाकी हमारा मिनी गोट फॉर्म का काम शुरू हो गया, इसका नाम हमने रखा है मिनी गोट फॉर्म, तो आप बताइएगा कैसा नाम है। दोस्तों अभी आप मुझे देखिए, मैं पिंजरे में कैसे बैठा हुआ ऐसे, और लेटूंगा ना तब सही है, और हमारे साथ हमारी ट्विटी भी आ चुकी है, ये देखें ये भी हमारे साथ केज में बैठी हुई है, क्योंकि यार बाहर इतनी गर्मी हो रही है, मैंने सोचा इसे अंदर ही ले आए, बाहर देखें दोस्तों हमारे परिंदे पता नहीं कहाँ हैं, साए वाए में फिर रहे हैं, अलिया वो वाइट वाला मुर्गा तो उस तरफ है, बाकी चूजे उस तरफ होंगे, और कबूतर हमारे अभी तक वहाँ बैठे हैं साए में, उन्हें जगह इतनी पसंद आ गई है, वो कह रहे हैं हमारा उधर से सेटअप हटा के इधर बना दो, भाई तुम्हारा सेटअप इधर है जहाँ पे हम बैठे हैं। दोस्तों जो हमारी ट्विटी है ना, उसे सर पे प्यार करने से बड़ा मज़ा आता है, ये देखें उसे कितना मज़ा आ रहा है, उसकी आवाज़ सुनिए आप, जी देखिए दोस्तों अगर आ रही है आपकी आवाज़, इसके सर को प्यार कर रहा हूँ मैं, और उसको मज़ा इतना आ रहा है, ये देखिए मैं हटाऊँगा फिर मेरी तब देखिए, अभी थोड़ी देर बाद खुजाने के बाद, हाँ भाई ट्विटी करूँ फिर से, ये देखिए कह रही है करो भाई, ये देखिए अब नहीं काटेगी, ये देखिए अब प्यार करवाएगी, तो भाई ट्विटी तुम भी बहुत तेज़ हो रही हो। कि यार भाई कह के गए थे कि मैं सुबह 10 बजे आ जाऊंगा, लेकिन अभी तक नहीं आया भाई, और अभी तक काम ऐसे ही पड़ा है हमारा मिनी गोट फॉर्म का, भाई कह रहा था आज कंप्लीट हो जाएगा, पता नहीं कब तक आएंगे यार, आज काफ़ी देर हो गई है, 10-11 बजने वाले हैं, तो यार अभी तक नहीं आया, मेरे ख्याल से आ जाएंगे, कोई सामान वामान इसका लाना होगा वो लेके आएंगे, तो हाँ भाई आज तो ये कंप्लीट हो जाएगा सारा काम, आज कल परसों इंशाल्लाह हम लोग ना अपना आहिस्ता आहिस्ता करके जानवर भी लाना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। अभी अलिया दोस्तों रोटी चू रही है पानी में, आराम से सब परिंदे हमारे खा लेंगे, क्योंकि यार पेट भर जाए ना इनका सही है, काफ़ी दिनों बाद ऐसे ही खुल रहे हैं, आराम से पेट भर के अंदर जाएंगे केजेस में तो ज़्यादा मज़ा आएगा। चलो भाई ये थोड़ी बार खुद ही खाना शुरू कर देंगे, अलिया छोड़ दो खुद ही घुल जाएगी, तोड़ने की ज़रूरत नहीं है,
अब ये देखें खाना भी शुरू हो गया हमारे परिंदे। तो यार शाम हो चुकी है, आप जैसे कि देख सकते हैं सूरज ढल चुका है और अपना आज शुक्र है गर्मी अब कम हुई है, बादल फिर से आ गए जैसे कि आप देख सकते हैं। यार शुक्र है लिया गर्मी तो कम हुई, मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि कल भी धूप नहीं निकल जाए। और भाई आ चुके थे काम करने के लिए, तकरीबन गेट वेट तैयार हो चुके हैं, ये हमारे मास्टर के गेट तैयार हो चुके हैं। ये देखें जी, देखें दोस्तों कैसा मज़ार गेट है, ये देखें। हाँ वो कंप्लीट हो गया, आज ही कंप्लीट हो जाएगा, बस खाना खाने का ब्रेक है। पता नहीं यार इनके भी बहुत बहाने होते हैं खाना खाने का ब्रेक, और पता नहीं कौन कौन से ब्रेक मांगते हैं, तो हाँ इन्हें देने पड़ते हैं, नहीं तो यार ये अच्छा काम नहीं करेंगे, नाराज़ हो जाएंगे। तो हाँ खुशी से काम करें तो ज़्यादा अच्छी बात है, अच्छा काम होगा। बाकी यार मैं चूज़ों का ना इधर टमाटर काटने, अगर मैं नीचे रख के इधर काटूंगा ना तो सारे चूज़े मेरे पीछे पड़ जाएंगे, खास करके ये हमारा चूज़ा। बहुत सारे चूज़े ना टमाटर बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए ना यार मुझे ऊपर रख के काटने पड़ेंगे। चलिए जल्दी से ना टमाटर काट के इन लोगों को डालते हैं ताकि ना इनकी गर्मी धुले। ये देखें दोस्तों सारे चूज़े मेरे पास आके खड़े होगा, अभी देखिएगा, अभी ये टमाटर है मेरे हाथ पे और ये वो सारे जमा होगा, खा भी लिया। अभी एक और फेंकता हूँ छोटा सा, ये रहा ये रहा ये रहा, जाओ भाई उधर जाओ। ये देखें दोस्तों कैसे कैसे फौरन से खा रहे हैं, मतलब ब्रेक भी नहीं ले रहे, ये सारा दो टमाटर फौरन खा लेंगे यार इतने सारे चूज़े। तो यार मैंने ना इतना कुछ टमाटर काट लिया और चूज़ों को देखें बाबा इधर चढ़ रहे, तो बहुत डिस्टर्ब किए हैं इन्होंने। तो चले अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म आई, भाई चूज़ा आ जाओ अब तुम्हें मिलेगा आराम से। चलो भाई आधे से ज़्यादा ना मैंने टमाटर इन्हें फेंक ही दिया, मतलब काट रहा था और फेंक रहा था, बहुत गुस्से से थे कि हमें दो, तो मैंने इन्हें दे ही दिया आखिरकार। अब इन्हें जितना बचा है वो टमाटर भी मिल जाएगा। आ जाओ भाई अब देखें सारे आएंगे, जाओ भाई उधर हैं जाओ, अकेले खा लेंगे वो सारे, तुम्हारे लिए बचेगा भी नहीं। जाओ 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 जाओ, वो अकेले ही खाए जा रहे हैं। ये देखें दोस्तों अब सारे आ गए हैं, बस एक बनाना हमारा बचा है। ये देखें सारे चले गए, और ये देखें दोस्तों कितने ना शौक से खाते हैं टमाटर, इस बात से आप अंदाज़ा लगाएं कितने शौक से खा रहे हैं। ये देखें वाइट वाले मुर्गे को, नहीं वो बहुत लड़ता है, वो सबको मारता है, वो मार देगा किसी दिन किसी एक चूज़े को, क्योंकि यार वो ना बहुत लड़ता है। इसमें हम अलग से खोला करेंगे, अब या तो साथ खोला करेंगे लेकिन निगरानी के सामने, क्योंकि अभी चूज़े हैं बहुत ख़तरनाक, उन्हें खाना है टमाटर और कुछ नहीं चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं टमाटर ख़त्म भी हो गए दोस्तों सारे, कोई इधर लेके चला गया कोई इधर लेके चला गया, ये देखें सारे टमाटर हो गए हैं ख़त्म। फाइनली भाई आ चुका हूँ, और ना केजेस के दरवाजे आज लग जाएंगे, मतलब कि ना आज रात तक हम केजेस में ना सारे परिंदों को शिफ्ट कर सकते हैं। और भाई आज गोट फॉर्म भी बन जाएगा ना, आज गोट फॉर्म भी बन जाएगा, तो हाँ और अपना सारे केजेस लग जाएंगे और हमारा इंशाल्लाह गोट फॉर्म भी मुकम्मल होगा। गोट फॉर्म का इतना कोई काम नहीं है ज़्यादा, ना केजेस का काम है, मेन काम जो था वो शुरू में था जब केजेस बन रहा था और गोट फॉर्म बन रहा था। और दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैंने टोपी सर पे क्यों पहनी है, टोपी मैंने इसलिए पहनी है क्योंकि यार आज धूप बहुत ही, तो अभी मैं सर पे ना धूप लग जाती है फिर सर में भी बहुत ही दर्द होता है आपको पता है, तो हाँ मैंने सोचा कि टोपी पहन लेते हैं, जब भी धूप होती है ना मैं टोपी पहन लेता हूँ, तो हाँ फिर ये सही रहता है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया और कल का व्लॉग ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि कल हमारा तकरीबन मिनी जू का काम सब कंप्लीट हो जाएगा, बस फिर पौधे लगाना बाकी है, मिनी जू को सजाना बाकी है। तो हाँ कल का व्लॉग ज़रूर से देखिएगा, कल अच्छा व्लॉग आने वाला है सबसे। तो हाँ बस आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।